नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। तो दिल्ली में रहने वाले लोग अब घर पर शराब मंगा सके, दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी की जा सके। दिल्ली सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी, लेकिन फिलहाल वही दुकानें होम डिलीवरी कर पाएंगी जिनके पास L13 लाइसेंस होगा। वहीं शराब की डिलीवरी केवल घर पर होगी, किसी हॉस्टल, ऑफिस या अन्य संस्थान में नहीं की जा सकेगी। बीते महीने जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, वैसे ही शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। 31 मई से लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी गई, मगर शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि होम डिलीवरी की शुरुआत के साथ ही डिमांड काफी ज्यादा होगी। कई और राज्यों में भी ऐसा ही प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर करने में सबसे बड़ी समस्या है साइट का क्रैश हो जाना। आइए अब नियमों की बात करते हैं। नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए? तो L13 लाइसेंस वाले ही भारतीय शराब और विदेशी शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके लिए मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर ऑर्डर दिया जा सकता है। ऑर्डर मिलने के बाद डिलीवरी केवल घरों में की जाएगी, हॉस्टल, ऑफिस या अन्य किसी संस्थान में शराब की डिलीवरी नहीं होगी। होटल से जुड़े रेस्टोरेंट, क्लब और बार खुली जगहों पर शराब सर्व कर सकेंगे। कोरोना के कम होते हुए केस को देखते हुए दिल्ली को फिर से धीरे धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी शराब की दुकानों को खोलने पर फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लोगों को घर बैठे शराब ऑर्डर करने की छूट दी है। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर पूरी तरह से बैन नहीं था। अभी तक नियम यह था कि L13 लाइसेंस वाली दुकानें घरों तक शराब पहुंचा सकती थी, बशर्ते ऑर्डर ईमेल या फैक्स के जरिए मिला हो। पिछले साल शराब की दुकानों पर भारी भीड़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।